हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ सर्दियों में खाए जाने वाले गोंद के लड्डू। सर्दियों में ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं और इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं और सर्दी से भी हमें बचाते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर को गर्माहट देते हैं और कमर दर्द, सर दर्द, जोड़ों के दर्द में भी ये राहत देते हैं। तो प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम से भरपूर इन हेल्दी लड्डुओं की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के ले सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम इसमें लेंगे गोंद। तो गोंद मैंने ये 50 ग्राम के करीब लिए हैं और ये छोटी स्मॉल साइज़ की गोंद है। आप देख सकते हैं ये इस कलर की होती है, ब्राउन कलर की, काले नमक जैसी ये लगती है। और मैंने 100 ग्राम के करीब सूखा नारियल कद्दूकस करके लिया है, साथ में खरबूजे के बीज, 3 टेबलस्पून के करीब काजू लिए हैं और 20 ग्राम के करीब बादाम और 20 ग्राम के करीब ही मैंने किशमिश लिए हैं और मैंने थोड़े पिस्ता भी लिए हैं। और इन लड्डुओं को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गेहूँ का आटा, क्योंकि गेहूँ के आटा बहुत गर्म होता है तो इस सर्दियों में ये बहुत ही फायदा करेगा। साथ में 50 ग्राम के करीब चने का आटा यानी कि बेसन मैंने लिया है। गेहूँ का आटा मैंने 200 ग्राम लिया है और 100 ग्राम के करीब मैंने देसी घी लिया है और 100 ग्राम ही मैंने मखाने लिए हैं। लड्डुओं में मिठास के लिए मैं गुड़ ऐड करूंगी, तो 250 ग्राम के करीब मैंने गुड़ लिया है। तो फ्रेंड्स, आप आटे और गुड़ की जो क्वांटिटी है वो सेम ही रखें। आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है आप 300 ग्राम के करीब गुड़ ऐड कर सकते हैं। और अब 2 टेबल स्पून के करीब खसखस भी मैं इसमें ऐड करूंगी, क्योंकि इसके भी अनगिनत फ़ायदे होते हैं। और फ्लेवर के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून के करीब सौंठ पाउडर और कुछ हरी इलायची, इनको कूट कर इनका पाउडर मैं इसमें ऐड करूंगी। तो चलिए गोंद के लड्डू बनाने की रेसिपी को शुरू करते हैं। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले गैस पर मैंने एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख लिया है। तो हैवी बॉटम की कढ़ाई हम लेंगे ताकि सभी चीज़ें हमारी अच्छे से रोस्ट हो जाएं और वो जले भी ना। तो इसमें सबसे पहले 1 से 2 टेबल स्पून के करीब देसी घी मैंने डाल दिया है। सभी चीज़ों को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो घी के हल्के गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे गोंद। तो सबसे पहले हम गोंद को फ्राई कर लेंगे। तो 1 टेबल स्पून के करीब गोंद मैंने हल्के गर्म घी के ऊपर ऐड कर दिया है, क्योंकि तेज़ गर्म घी में हमें गोंद को नहीं डालना। जब यह हल्का हल्का गर्म होने लगे तभी हम गोंद को डालेंगे और गोंद को हमें थोड़ा थोड़ा कर ही डालकर फ्राई करना है, क्योंकि एकदम से अगर आप गोंद को डाल देंगे तो वो अच्छे से फ्राई नहीं होगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा और लड्डू खाने पर ये आपके दांतों पे चिपकेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लो टू मीडियम फ्लेम पर ही कंटिन्यू चलाते हुए थोड़ा थोड़ा करके हम गोंद को फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं पहला बैच हमारा फ्राई हो चुका है और ये जैसे ही फ्राई होता है ये एकदम से पॉपकॉर्न की तरह फूल जाता है वाइट कलर का। तो ये देखिए अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। तो इसको मैं एक परात में ये प्लेट में निकाल लूँगी, फिर इसी तरह से सेम दूसरा बैच भी हम डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में गोंद के लड्डू खाने के अनगिनत फ़ायदे होते हैं। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी अपने चैनल पे डाली है, आप चाहें तो उसे भी चेकआउट कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहला बैच निकाल लिया है और सेम इसी तरह से दूसरे बैच को भी हम लो फ्लेम पर डालकर अच्छे से करछी से चारों तरफ से टर्न करते हुए इनको फ्राई कर लेंगे। तो अलट पलट कर हमें को इनको फ्राई करना है और ये जैसे ही पॉपकॉर्न की तरह फूल जाएंगे तो तुरंत ही हम इसको प्लेट या थाली में निकाल लेंगे। तो ये देखिए सेकंड बैच भी मैंने निकाल लिया है। सेम इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा घी हम कढ़ाई में ऐड करते रहेंगे और गोंद को डालकर फ्राई कर निकालते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ी थोड़ी करके सारी ही गोंद को फ्राई कर लिया है। तो मैंने फ्रेंड्स ये 50 ग्राम के करीब गोंद ली थी, इसे मैंने फ्राई करके एक परात में निकाल लिया है। ठंडा होने देंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम इसको क्रश करेंगे। तो अभी कढ़ाई में ही थोड़ा घी बचा है और ये गर्म भी है, तो सबसे पहले हम इसमें अपने बादाम फ्राई कर लेते हैं। आप चाहें तो बादाम को कट करके भी फिर बाद में रोस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो सभी ड्राई फ्रूट को एक साथ भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन सबका कुकिंग प्रोसेस कम ज़्यादा होता है। बादाम को फ्राई होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने बादाम पहले डाले हैं और थोड़े से काजू। तो जब हमारे बादाम अच्छे से फ्राई हो गए हैं तब मैंने कुछ सेकेंड के लिए काजू भी फ्राई कर लिए हैं, बादाम के साथ ही डाल दिए हैं। और अब मैंने यहाँ पर पिस्ता भी डाल दिया है, तो पिस्ता को भी कुछ ही सेकंड मैंने को हल्का सा फ्राई करना है और इनको भी मैंने निकाल लिया है। किशमिश और कोकोनट बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं तो इसलिए उनको मैं बाद में डालूंगी। तो अब मैंने 100 ग्राम के करीब मखाने भी इसी घी में डाल दिए हैं और अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको भी अलट पलट कर हम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो जो मखाने होते हैं फ्रेंड्स, ये घी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तभी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची भी बनते हैं। तो आप इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए 1 से 2 टेबल स्पून के करीब घी और डाल सकते हैं, ताकि इनमें एक अच्छा सा क्रंच आ जाए और घी में फ्राई करने पर मखाने बहुत ही टेस्टी हो जाते हैं।
और मैंने इनको नमकीन की तरह भी बनाना बताया है अपने चैनल पे। व्रत में खाई जाने वाली मखाने मूंगफली की नमकीन भी मैंने अपने चैनल पे डाली है, आप चाहें तो उसे भी चेकआउट कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मखाने हमारे हल्के ब्राउन हो गए हैं, लेकिन अभी क्रिस्प इन पे नहीं आया है क्योंकि मैंने एक मखाने को उठा के चेक कर लिया था। तो एक टेबल स्पून के करीब घी डालकर मैंने इनको जैसे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। तो कैल्शियम से भरपूर मखाने भी हमारे तैयार हैं। गैस मैंने ऑफ कर दिया और कढ़ाई को हम क्लीन कर लेंगे क्योंकि बाकी चीज़ें भी हम इसमें ऐड करेंगे। पहले मखाने के जितने भी पार्टिकल लगे हैं उनको मैंने सूती कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। तो कढ़ाई हमारी बिल्कुल क्लीन है। फिर से मैंने गैस ऑन कर दिया है लो फ्लेम पर। कढ़ाई हमारी अभी हल्की गर्म है तो इसमें मैंने अब रोस्ट करने के लिए डाला है खसखस। तो 2 से 3 टेबल स्पून के करीब खसखस हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसको हमें आधे मिनट तक ड्राई रोस्ट करना है लो फ्लेम पर। जब ये हल्का सा गोल्डन हो जाए और हल्का चटकने लगे तो तुरंत ही हम इसको एक कटोरी में या प्लेट में निकाल लेंगे। खसखस को हमें कढ़ाई पे ड्राई रोस्ट करना है, हमें इसमें घी बिल्कुल ऐड नहीं करना है वरना ये घी में चिपक जाएगा। तो ड्राई रोस्ट होने के बाद मैंने इसको निकाल लिया है और कढ़ाई अभी हमारी हल्की गर्म है तो लो फ्लेम पर मैंने फिर से कढ़ाई को चढ़ा दिया है और इसमें 1 टेबल स्पून घी डालकर इसमें किशमिश और हमारा जो कोकोनट है जिसको मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है इसको भी हम ऐड कर लेंगे। तो किशमिश कोकोनट दोनों को एक साथ डालकर फ्राई कर लेंगे। कोकोनट और किशमिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं तो कुछ सेकंड के लिए ही हम इसको इस तरह से फ्राई करके तुरंत ही निकाल लेंगे। 15 सेकंड में ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इसको हम निकाल लेंगे। तो लो फ्लेम पर ही हमें ये सभी चीजों को फ्राई करना है। कढ़ाई हमारी अभी भी गर्म है तो अब इसमें 2-3 टेबल स्पून के करीब देसी घी मैंने डाल दिया है और अब हम सबसे पहले इसमें डाल देंगे बेसन। तो बेसन को हमें कंटिन्यू चलाते हुए लो फ्लेम पर इस तरह से रोस्ट कर लेना है। लगातार हमें बेसन को चलाना है ताकि ये हल्का सुनहरा हो जाए और इसमें बिल्कुल भी गांठें ना पड़े, तो बिल्कुल लम्स इसमें नहीं रहने चाहिए। तो लगातार हमें इसको चलाना है। ये जितने भी ड्राई फ्रूट हैं या तो आप इनको क्रश कर लीजिए, इमामदस्ते में कूट लीजिए, या फिर आप ये बुजुर्गों के लिए बना रहे हैं तो मिक्सी में डालकर आप इनको ग्राइंड कर सकते हैं, इनका पाउडर भी बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बेसन जो है वो हल्का सुनहरा होने लगा है तो अब हम इसमें अपना गेहूं का आटा भी ऐड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये लिक्विडी फॉर्म में है क्योंकि घी हमने ज़्यादा डाला था, क्योंकि इसी में हमको गेहूं के आटे को भी रोस्ट करना है। तो 1 से 2 टेबल स्पून के करीब देसी घी मैंने और डाल दिया है और 200 ग्राम के करीब गेहूं का आटा भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे और बेसन के साथ ही गेहूं के आटे को भी अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। तो इसे भी कंटिन्यू हमें चलाना है। तो फ्रेंड्स, लो फ्लेम पर लगातार इसको चलाते हुए हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो कढ़ाई पर हमें इसको इसी तरह से करछी से हिलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। फ्रेंड्स, हमारा जितना भी टाइम लगेगा वो इसी प्रोसेस में लगता है और लड्डू हमारे बहुत ही लाजवाब बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आटा मुझे थोड़ा ड्राई लग रहा है तो कटोरी में जितना भी बचा हुआ घी है वो सारा ही मैं डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 100 ग्राम देसी घी लिया है, आप चाहे तो कम घी में भी इसे बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको घी कम डालना है या फिर ज़्यादा। आप चाहे तो थोड़ा सा घी इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा घी डालने से भी आपके लड्डू बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन जाएंगे और वो जल्दी ही टूटने लगेंगे। तो आप इनफ घी की क्वांटिटी ही इसमें ऐड करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो ये आटा है वो हल्का सुनहरा होने लगा है तो बस इसी तरह से लगातार हमें चलाना है इसको। मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब बारीक सूजी भी ऐड कर रही हूँ ताकि इसको भी हम इसी आटे के साथ अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो सूजी डालना इसमें पूरी तरह ऑप्शनल है क्योंकि फ्रेंड्स, सूजी में एक अच्छा सा क्रंच होता है और लड्डुओं में और भी ज़्यादा टेस्टी क्रंच आएगा, तो इसीलिए मैं इसको ऐड कर रही हूँ। कढ़ाई के साइड में 2 टेबल स्पून के करीब सूजी डालकर इस तरह से मैं इसको भी रोस्ट कर रही हूँ, चला रही हूँ। हल्का सा ब्राउन होते ही इसको भी मैं बाकी मिक्सचर में ऐड करके इस तरह से रोस्ट कर लूँगी। सभी चीज़ों को अच्छे से मैंने इस तरह से रोस्ट कर लिया है तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सुनहरा कलर हमारे इस मिक्सचर का आ चुका है। तो फ्रेंड्स, गेहूं का आटा, बेसन और सूजी, इन तीन चीज़ों के मिक्सचर से मिलाकर मैं इन गोंद के लड्डू को बना रही हूं। और पहले मैंने जो गोंद के लड्डू बनाए थे वो मैंने केवल आटा और बेसन से मिलाकर बनाए थे, साथ ही साथ अनगिनत फ़ायदे मैंने उन लड्डुओं के खाने के बताए थे क्योंकि जो जो चीज़ें हम इसमें ऐड कर रहे हैं उनके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो ये सभी मैंने डिटेल में उस वीडियो में बताए हुए हैं, आप चाहे तो उस रेसिपी को एक बार ज़रूर वॉच करें, आपके लिए वो ज़रूर फ़ायदेमंद होगी। क्योंकि न्यू मदर्स के लिए भी वो लड्डू बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि उसमें मैंने गोद के साथ साथ कमरकस के भी फ़ायदे बताए हैं और कमरकस भी उसमें मैंने ऐड किया है क्योंकि आफ्टर डिलीवरी के बाद मॉम में जो वीकनेस हो जाती है तो इन लड्डुओं को खाकर उनकी अंदर एनर्जी और ताकत आ जाती है और कमज़ोरी उनके शरीर से दूर हो जाती है, यहाँ तक कि उनके
हड्डियों के दर्द में, जैसे कि जॉइंट पेन, बैक पेन, उसमें भी काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। आप एक लड्डू को हल्के गर्म दूध के साथ लेंगे तो इसके फ़ायदे कई गुना बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप वैसे भी इन लड्डुओं को पूरे दिन में कभी भी खा सकते हैं, क्योंकि इनके खाने के कई फ़ायदे ही फ़ायदे हमारी बॉडी को मिलेंगे। इन लड्डुओं को आफ्टर डिलीवरी मॉम ही नहीं बल्कि बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इनको खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होने के साथ साथ एनर्जी से भरपूर हैं और हमारे शरीर को ये गर्माहट भी देते हैं। इन कड़ाके की सर्दियों में आप इस तरह के लड्डू बनाकर ज़रूर इंजॉय करें। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सुनहरा हमारा आटा भून चुका है। अब तुरंत ही मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे तुरंत ही एक प्लेट में या थाली में, कि कढ़ाई हमारी काफ़ी गर्म है तो मिक्सचर को तुरंत ही हम कढ़ाई से निकाल लेंगे, वरना ये कढ़ाई पर जलने लगेगा। तो इस तरह से निकालने से इसका कुकिंग प्रोसेस भी ख़त्म हो जाता है। तो थाली पर हम इसको पूरी तरह से निकाल लेंगे और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। ये देखिए, एक थाली पर मैंने इसको निकाल लिया और स्पून से मैं इस मिक्सचर को इस तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो अब हम इसमें अपनी बाकी सभी चीज़ों को ऐड कर लेंगे। अब गैस पर मैंने फिर से इसी कढ़ाई को क्लीन करके चढ़ा दिया है। अब कटोरी में जितना भी लगा हुआ घी है सारा इस कढ़ाई में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके लास्ट प्रोसेस में चलेंगे। अब हम इसमें मीठे के लिए गुड़ डालेंगे। तो आप मीठे के लिए चाहे तो देसी खांड, चीनी या फिर मिश्री को भी मेल्ट करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर गुड़ डाल रही हूँ क्योंकि गुड़ की तासीर गर्म होती है और सर्दियों में गुड़ खाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी होता है। फ्रेंड्स, गुड़ को आप जब भी कढ़ाई पर मेल्ट करें तो हल्का सा कुछ ड्रॉप देसी घी जरूर डाल लें, इससे गुड़ कढ़ाई पर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो इस टिप को आप ज़रूर फॉलो करें। अब मैंने इस गुड़ को मेल्ट करने के लिए एक गिलास पानी लिया है, लेकिन पूरा पानी मैंने इसमें नहीं ऐड किया है, थोड़ा सा हमने बचा लिया है। तो एक गिलास पानी में थोड़ा सा पानी हम बचा लेंगे और इस पानी में हम इसको गुड़ को मेल्ट होने देंगे लो फ्लेम पर। तब तक हमारी गोंद जो है वो ठंडी हो चुकी है और ठंडी होने पर वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है। तो कोई भी हैवी बॉटम की आप इस तरह से कटोरी ले सकते हैं और इसको ईजिली क्रश कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन लड्डुओं में हल्का सा क्रंच आता है तो लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। सेम इसी तरह से आप ड्राई फ्रूट को भी क्रश कर लीजिए ईमान जस्ते में या ओखली में, या फिर आप उनको भी ग्राइंडर जार में डालकर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि बुज़ुर्गों को भी इनको खाने में कोई दिक्कत ना हो। तो अब मैंने सारी गोंद को क्रश कर लिया और इसमें अपना जो हमने मिक्सचर तैयार किया था आटा, बेसन, सूजी का, उसको हम इस गोंद के ऊपर ऐड कर लेंगे। इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा घी है तो आप स्पून की हेल्प से इस तरह से मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे ही हाथ इस पर लगाएंगे तो घी आपके हाथों पर चिपकेगा। तो फाइनली जब हम लड्डू बनाएंगे तभी हम इस मिक्सचर को उसे मिक्स करते हुए इसके लड्डू बनाएंगे। तो किशमिश और कोकोनट को भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। अगर आप ये न्यू मॉम्स के लिए बना रहे हैं तो आप कोकोनट इसमें अवॉइड भी कर सकते हैं। आप इसकी जगह पे खजूर को हल्का सा ग्राइंड करके फिर इन लड्डुओं में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि खजूर सर्दियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। मैंने इसमें रोस्टेड खरबूजे के बीज भी डाल दिए हैं और ये जो बाकी ड्राई फ्रूट है इनको मैं हल्का सा दरदरा ग्राइंड कर लूँगी चॉपर में। खरबूजे के बीज मैंने पहले से ही ड्राई रोस्ट करके रखे हुए थे तो वो मैंने डायरेक्ट इसमें ऐड कर लिया 2 टेबलस्पून। और अब फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच सौंठ पाउडर और ये जो इलायची है इसको भी बारीक कूट कर इसका पाउडर मैं इसमें ऐड कर लूँगी। आप चाहें तो सौंफ को भी कूट कर इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सौंफ का टेस्ट भी इन लड्डुओं में बहुत ही टेस्टी आता है। और आप चाहें तो हल्का सा काली मिर्च का पाउडर या फिर जायफल को भी ग्रेट करके इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि न्यू मदर्स के लिए ये मसाले बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। ये मसाले डालना पूरी तरह ऑप्शनल है और फ्लेवर के लिए आप इलायची को चाहे तो डालें, चाहे आप स्किप भी कर सकते हैं, तो ये आपके टेस्ट के ऊपर है। तो ये देखिए, इलायची को मैंने बारीक कूट कर वो भी इसमें ऐड कर लिया है और खसखस जिसको मैंने रोस्ट करके रखा था इसको भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और अब ये जो ड्राई फ्रूट है इनको मैं चॉपर में दरदरा ग्राइंड कर लूँगी। आप चाहे तो नाइफ से इन्हें बारीक बारीक कट कर लें या फिर खलबट्टे में डालकर कूट लें, लेकिन मैंने यहाँ पर ग्राइंडर में डालकर इनको ग्राइंड कर लिया है। और अब इन सभी मिक्सचर को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मखाने आप देख सकते हैं कुछ साबुत ही रह गए हैं, या फिर बादाम भी जो कुछ साबुत रह गए उनको नाइफ से मैं इस तरह से कट कर लूँगी। मैंने इनको दरदरा रखा था इसलिए हल्का मिक्सी को चलाया था। अगर आपको उनको पाउडर बनाना है तो आप मिक्सी को थोड़ा ज़्यादा चला सकते हैं तो ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। अब सभी चीज़ों को परात में डालकर हाथों से मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गुड़ भी हमारा मेल्ट हो चुका है। गुड़ में जब एक तार बनने लगेगी, हल्का चिपचिपा जब गुड़ हो जाएगा, तब हम इस मिक्सचर में इसको ऐड कर लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर इस टाइम पर मेरी घर की लाइट भी जा चुकी है तो आपको इतनी क्लियरिटी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं गुड़ भी जैसे जैसे मेल्ट होने लगेगा तो हम इसको हल्के हाथों से इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि गुड़ हमारा कढ़ाई पर ना चिपके। और उंगलियों से टच करके मैंने इसको थोड़ा चेक भी कर लिया है, इसमें
हल्की सी इस तरह की एक चिपचिपाहट आने लगेगी, एक तार जैसी बनने लगेगी, तो हमारा गुड़ भी रेडी है। तो अब इसको तुरंत ही हम इस मिक्सचर में ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो छलनी की हेल्प से इसको छानकर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गुड़ मेरा प्योर है क्योंकि पहले भी मैंने इसकी रेसिपी बनाई थी, लड्डू बनाए थे, तो गुड़ में बिल्कुल भी इनप्योरिटी नहीं है। तो अगर आपका गुड़ इनप्योर हो तो आप छलनी की हेल्प से इस मिक्सचर में ऐड कर लें। तो ये देखिए परात में मैंने बीच में होल कर लिया है और अब इस गुड़ के सिरम को हम डालेंगे इस मिक्सचर के बीच होल के अंदर यानी कि सेंटर में। तो ये देखिए कढ़ाई हमारी बहुत गर्म है तो बहुत केयरफुली हमें इस मिक्सचर में इस सिरम को ऐड करना है। तो ये देखिए मैंने इस सिरम को इस मिक्सचर के बीच सेंटर में डाल दिया है। गुड़ को पकते हुए भी 10 मिनट हो चुके थे मीडियम फ्लेम पर, अब हल्का सा चिपचिपा हो गया था तभी हम इसको इस मिक्सचर में ऐड करेंगे। और अब गुड़ हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है तो डायरेक्ट ही आप इसके अंदर हाथ ना डालें, आप करछी की हेल्प से इस गुड़ को सारे मिक्सचर में मिक्स कर लें। और मैं थोड़ा सा कोकोनट ग्रेट करके इसमें ऊपर से ऐड कर रही हूँ क्योंकि कोकोनट मुझे बहुत पसंद है और हल्का गर्म होने पर आप बहुत ही आसानी से इसके लड्डू बना सकते हैं। तो ये देखिए इसको पूरी तरह हमें ठंडा नहीं होने देना है, हल्के गर्म में ही हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से इसके लड्डू बन जाते हैं। मिक्सचर अगर आपका बाई चांस ठंडा हो भी जाता है तो आप इसको कढ़ाई पर हल्का सा गर्म कर लीजिए, लो फ्लेम पर ही इसको कुछ सेकेंड के लिए हमें गर्म करना है। और जैसे ही ये गर्म हो जाएगा तुरंत ही आपको इसके लड्डू बनाने हैं। लड्डू आपको छोटे रखने हैं या बड़े वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मीडियम साइज के लड्डू बना रही हूँ। अब मैं इस मिक्सचर को लेके अपने बेड पे आ चुकी हूँ और आराम से यहाँ पर लड्डू बना रही हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इन लड्डुओं को बनाना कितना आसान है, तो घर पर ही आप आसानी से इनको बना सकते हैं। और अगर आप मार्केट से हलवाई की दुकान से इनको लेके आएंगे तो आपको कम से कम ये 1000 रुपये किलो के प्राइस के मिलेंगे, जबकि आप इसको कम प्राइस में भी और कम सामान में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। कि हेल्दी होने के साथ साथ ये इतने टेस्टी होते हैं कि आप इनके सामने बाकी मिठाइयों को खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये है हमारे सर्दियों में खाए जाने वाले बहुत ही हेल्दी गोंद के लड्डू। इस टाइम ये एकदम फ्रेश बने हुए हैं तो आप चाहे तो इनको नारियल से इस तरह से कोट कर लीजिए या फिर खसखस से भी ऊपर से इस तरह से कोट कर सकते हैं, इससे ये देखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तो इस तरह से कोट करने के बाद आप इनको अपनी प्लेट में थाली में सजा सकते हैं और स्टोर करके भी आप इनको रख सकते हैं। आप पूरे 1 से 2 मंथ तक इनको खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप इनको रूम टेम्परेचर में टाइट कंटेनर बॉक्स के अंदर भर के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक लड्डू ये मेरी बेटी खा के देखेगी कि इसको कैसे लगे। तो ये देखिए इसने इसको तोड़ दिया, आप इनका टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी लड्डू हमारे बनकर रेडी हैं। फ्रेंड्स आप भी बनाएं और खाएं और अपने कमेंट मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। किस शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी। वीडियो जरा सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।